सोलन में नशे का काला कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन पुलिस नशे के काले कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, लेकिन सोलन में उसके बावजूद भी ये कारोबारी और इसे सेवन करने से कम नहीं हो रहे हैं। पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से चिट्टे की खेप बरामद हुई है। पुलिस अब पकड़े गए युवकों से कड़ी पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उनके पास ये चिट्टा कहाँ से आया और इसे कहाँ बेचा जाना था। सोलन में नशे का काला कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन पुलिस नशे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, लेकिन सोलन में उसके बावजूद भी ये कारोबारी और उसके सेवन करने वाला कोई कम नहीं हो रहा है। आज भी पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से चिट्टे की खेप बरामद हुई है। पुलिस ने अब पकड़े गए युवकों से कड़ी पूछताछ कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उनके पास ये चिट्टा कहां से आया और किसे बेचा जाना था। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सोलन सब्जी मंडी के समीप सुनूकर पर छापा मारा गया, जहाँ से पुलिस ने चार युवकों को चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। इन युवकों के पास से 6.64 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पकड़े गए युवक अमन कुमार, बसंत कुमार, कथे साहिल लेपटा चौपाल, रितांशु जो कि बसाल के रहने वाले हैं। चारों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। नशे के खिलाफ जो सोलन पुलिस की मुहिम है, उसी में एसआईयू की टीम ने चार लड़कों से 6.64 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इनके नाम है अमन कुमार जो कि कथेड़ का रहने वाला है और यहाँ पे सब्जी मंडी के साथ ही एक स्नूकर चलाता है अपना। साहिल लेपटा जो चौपाल का रहने वाला है, 21 साल इसकी उम्र है। बसंत कुमार जो कथेड़ का रहने वाला है और रितांशु जो कि बसाल का रहने वाला है। इन चार लड़कों से 6.64 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। तो ये था दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे इन गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।